हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज थर्टी नाइन हंड्रेड लेटरशीप बाइज अनदर बैट एंड टू मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज थर्टीन हंड्रेड रिप्रजेंट द इक्वेशन इल्जेब्रिकली एंड जोमेट्रिकली तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हम सबसे पहले लेट करेंगे लेट द प्राइस ऑफ वन बैट इक्वल्स टू एक्स राइट सेकेंड लेट द प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू वाई राइट अब यहां पर द प्राइस ऑफ थ्री द प्राइस ऑफ थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल्स इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई एंड

हमें बताया गया है इसमें कि अगर थ्री बैट्स लिया उसने सिक्स बॉल्स लिए तो उसकी कॉस्ट कितनी आई है थर्टी नाइन हंड्रेड तो इट मीन्स थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू के थर्टी नाइन हंड्रेड सेम वे एक बैट और टू बॉल्स की कॉस्ट हमारी कितनी बताई गई है थर्टीन हंड्रेड अब इस इक्वेशन को हमने लेट कर लिया वन इसको हमने लेट कर लिया टू तो हमारे पास अब दोनों इक्वेशंस आ गई हैं ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे इसके हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन की जो है थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू थर्टी नाइन हंड्रेड इसमें हमारे x और y अब y की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो आएगी थर्टी नाइन हंड्रेड माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स तो इसमें अगर x जीरो होगा तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 650 और अगर हम यहाँ पे y जीरो हो जाएगा तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 1300 हंड्रेड राइट तो ये हमने पॉइंट्स को लेट कर लिया कोऑर्डिनेट्स को हमने ये हमारे पॉइंट हम लेट कर लेंगे जिससे कि हम जब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें वो हमारे लिए और इजी हो जाए तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए और पॉइंट बी ठीक है तो ऐसे ही सेम वे हम टेबल ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट की टेबल हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू थर्टीन हंड्रेड अब जिसमें हमारा एक एक्स और वाई इसमें हमारा वाई है थर्टीन हंड्रेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू इसमें भी अगर एक्स टू सिक्सटी होगा एक्स हमारा टू सिक्सटी वाई हमारा हो जाएगा फाइव ट्वेंटी एक्स फाइव ट्वेंटी तो y हो जाएगा हमारा 390 सेम वे हमने इन पॉइंट्स को भी ये हमारे हो जाएंगे इनको पॉइंट्स को हमने लेट कर लिया पॉइंट ये हो गया सी ये पॉइंट हमारा हो गया डी जिससे कि हम जब तो इसे अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा पॉइंट ए बी सी डी को डिटेक्ट करना दोनों के कोऑर्डिनेट्स को इजीली रिप्रेजेंट करना तो अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे सो so ये हमारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट हो गए ग्राफ पे Right? I hope it was understandable. Thank you so much.